हेलो दोस्तों, आज आपके सामने कुछ नए टिप्स लेकर आ गई हूँ। पहला टिप्स जो है, साबुत मसाले फ्राई करें। स्वाद बढ़ाने के लिए साबुत मसाले हल्का सा फ्राई करके ही आप रखें। दूसरा जो किचन टिप्स है, बेसन को स्टोर करें। बेसन को कैसे स्टोर करें? बेसन को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए उसे फ्रिज में आप रख सकते हो, स्टोर हो जाएंगे। तीसरा टिप्स है, आटा को छानना ना भूलें। रोटियों को मुलायम बनाने के लिए आटा को छानकर ही गूथा करें हमेशा। दूध उबालते समय, चौथा टिप्स है, दूध उबालते समय लकड़ी का चम्मच रखें। दूध उबलते समय बर्तन पे लकड़ी का चम्मच रखें, इससे दूध उबलकर बाहर बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। पांचवा टिप्स है, नींबू का रस अधिक निकालने के लिए नींबू को थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में रखें, फिर उसका रस अच्छे प्रकार से निचोड़ कर निकालें। इससे नींबू की रस काफ़ी मात्रा में निकलती है। छठा टिप्स है, सब्जियां काटते समय नमक सब्जियों को काटने से बाहर चाकू में थोड़ा सा नमक लगाने से सब्जियां चिपकती नहीं है और बहुत अच्छे प्रकार से सब्जी कट जाती है। सातवां टिप्स है दोस्तों, लंबे तवे को गर्म करें। रोटी में पराठे बनाते समय तवा गर्म होना चाहिए, ठंडा तवा पे रोटी ना रखें, इससे रोटी फूलेगी बिल्कुल भी नहीं। आठवां टिप्स है, नमक में चावल डालें। नमक के डब्बे में चावल के दाने डालने से नमक में नमी कभी भी नहीं आती, नमक बिल्कुल अच्छा रहता है। नौवां टिप्स है, डिब्बा बंद भोजन में तेल मिलाने से, डिब्बा बंद भोजन थोड़ा सा तेल मिला दे, वह ताज़ा और स्वादिष्ट लगेगा हमेशा। दसवां टिप्स है, टमाटर का पेस्ट स्टोर करें। टमाटर के पेस्ट को आइस ट्रे में डालकर जमा ले और ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल करें, इससे आपकी सब्जियों का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हिंदू धर्म में शुद्धता और सकारात्मकता विशेष महत्व दिया जाता है। शुभ कार्य करने से पहले दही खाकर निकलने की परंपरा के पीछे कई धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता मानी गई है। दोस्तों, सनातन धर्म का प्रमुख विख्यात है ये। पहला जो है, शीतलता और शांति का प्रतीक है दही। दही शीतलता और शांति का प्रतीक है। इसे खाने से मन में, शरीर में शीतलता और शक्ति प्रदान करती है और शुभ कार्य करने से मानसिक स्वस्थता और शक्ति लाने की सहायता प्रदान करती है। और ऐसा माना जाता है कि दही खाकर ही निकलना चाहिए घर से, जब भी बाहर निकले तो। दूसरा है, सकारात्मक ऊर्जा। हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि दही खाने से व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह बढ़ता है, जिससे शुभ कार्य सफल मिलने की संभावना बढ़ती रहती है। पाचन शक्ति बढ़ने के लिए दही में पाचन के लिए अच्छा माना जाता है। शुभ कार्यों के दौरान व्यक्ति लंबे समय तक व्यस्त रहता है, जिसके लिए दही खाकर निकलने से पाचन शक्ति बेहतर बनी रहती है और शरीर में ऊर्जा मिलती रहती है, इसलिए दही को ही श्रेष्ठ माना जाता है। चौथा है, भाग्यवर्धक। भारतीय परंपरा में विश्वास किया जाता है कि दही और चीनी का मिश्रण करने से सफलता और सौभाग्य मिलता है। इसे एक शुभ संकेत के रूप में देखा जाता है, इसीलिए दही चीनी का समागम करना चाहिए और भारतीय संस्कृति में ये माना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण में दही लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, जो समृद्धि और शक्ति लाती है। शुभ कार्यों से पहले दही माना जाता है, इस मानवता से जुड़ा हुआ रहता है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले दही का खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। इस परंपरा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और स्वस्थ रूप से संतुलित बनाए रखता है, ताकि शुभ कार्य सफलतापूर्ण हो सके और हमारा कार्यों में कोई बाधा ना आए। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का टिप्स? हिंदू सनातन धर्म का ये प्रमुख विशेषताएं होती है जो हम लोगों को मानना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।
नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ और फिर नए वीडियो और नए टिप्स के साथ आप लोगों के सामने आती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।